नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 चरणों का मतदान सभी के सहयोग से सम्पन्न हुआ है और चौथे चरण का मतदान कल यानी 13 में को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे काम कर एक जगह बनाई है। इस कार्यकाल को मोदी के स्वर्णिम युग के रूप में देखा जाएगा। सीएम ने आम जनता से अपील की है कि चौथे चरण के मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग ले। उन्होंने जनता से कहा कि गर्मी का मौसम है, इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सरकार और शासन को सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी के क्षेत्र में भी सरकार तेजी से काम कर रही है और जितना भी गेहूं किसानों को है वह पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मैं भी महामहिम से मुलाकात हुई और खास करके गर्मी के संकट में पेयजल की प्रबंधन हमने पूरे प्रदेश के लिए ठीक से किया है और जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ हमने अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर प्रबंधन कर रही है। देखिए, नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियां हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े, ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।